ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೋಸ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಲಢಾಯಿ ನ್ಯಾಯ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಭೈಚಾರ ಪ್ಯಾರ್ और दूसरी तरफ अन्याय झूठ नफरत पांच साल से नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वायदा कर जाते हैं देखिए चौकीदार जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ झूठा वायदा कराते हैं पंद्रह लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखा दूंगा प्रधानमंत्री बनाओ हर बैंक अकाउंट में पंद्रह लाख रुपए डाल के नरेंद्र मोदी दिखाएगा मिल गया आपको पंद्रह लाख मिल गया एक रुपया तक नहीं दिया अनिल अंबानी को मेहुल चौकसी को लाखों करोड़ रुपए दिए मगर कर्नाटक के युवाओं को किसानों को मजदूरों को बैंक अकाउंट में एक रुपया नहीं दिया इसीलिए हमने नई योजना बनाने का सोचा है योजना का नाम न्याय योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले पांच साल गरीबों के साथ अन्याय किया उसके लिए हम न्याय योजना लाए हैं मैं आपको न्याय योजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को 2019 के चुनाव के खत्म होने के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी साल के बहत्तर हजार रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देगी नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रह लाख बोला था झूठ था सच्चाई है तीन लाख साठ हजार रुपए पांच करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है और हम डाल के दिखा देंगे आप सोचिए पैसे की कोई कमी नहीं चुनाव हुआ कर्नाटक में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव हुआ और हमने कहा देखिए किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम किसान का कर्जा माफ करके दे देंगे कर्नाटक में कहा पंजाब में कहा मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहा और मैं खुशी से कहता हूं कि कर्नाटक की सरकार ने चालीस हजार करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में मैंने कहा दस दिन के अंदर इन तीन स्टेट्स के सब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा चुनाव हुआ दस दिन नहीं लगे दो दिन के अंदर हमने सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया हमने कर्जा माफ किया उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा जब भी हम गरीबों के लिए काम करने की सोचते हैं चौकीदार कहता है पैसा कहां से आएगा मगर जब अनिल अंबानी तीस हजार करोड़ रुपए राफेल मामले में चोरी कर लेता है तो फिर चौकीदार यह नहीं पूछता कि पैसा कहां से आया उुल चौकसी पैंतीस हजार करोड़ ले जाता है चौकीदार ये नहीं पूछता पैसा कहां से आएगा मगर अगर गरीबों को पैसा देना होता है तो चौकीदार एकदम पूछता है पैसा कहां से आएगा हमने नरेंद्र मोदी को चौकीदार को दिखा दिया कि कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ करने का पैसा कहां से आएगा हमने दिखा दिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कि दो दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो सकता है नरेंद्र मोदी जी मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा पैसा मिडिल क्लास से नहीं आएगा पैसा अनिल अंबानी जैसे चोरों की जेब से आएगा नीरव मोदी मेहुल चौकसी ललित मोदी विजय माल्या जैसे चोरों की जेब से हम पैसा निकाल निकालकर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे आप देखना जैसे हमने बहत्तर हजार करोड़ रुपए यूपीए के समय किसान का कर्जा माफ किया था जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी आजकल नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं मगर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में तीन वायदे किए थे दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा पंद्रह लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा किसानों को न्याय दूंगा उनका कर्जा माफ करूंगा और उनको सही दाम दिलवाऊंगा ना किसानों के लिए कुछ किया ना युवाओं को रोजगार दिलवाया ना पंद्रह लाख रुपए डाले और आजकल जहां भी जाते हैं रोजगार की बात नहीं करते किसानों की बात नहीं करते नेशनल सिक्योरिटी बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का मैं भी यह सवाल पूछ लेता हूं एक नरेंद्र मोदी जी अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ कि राफेल मामले में आपने तीस हजार करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक में क्यों डाले एयरफोर्स से आपने चोरी करके पैसा अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में क्यों डाला कर्नाटक में एच एल है यूपीए सरकार ने कहा था कि एच को दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फैक्ट्री यहां लगती राफेल हवाई जहाज कर्नाटक में बनता लाखों युवाओं को यहां रोजगार मिलता आपने एच से छीन कर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी अपने मित्रों को क्यों दिया आप यह समझाइए कि फ्रांस का राष्ट्रपति यह क्यों कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि 526 करोड़ का हवाई जहाज हिंदुस्तान 1600 करोड़ रुपए में खरीदेगी आप देश को यह समझाइए कि एच से आपने छीनकर उसको क्यों रोजगार दिया अनिल अंबानी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया थोड़ा समझाइए देश को पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे अब नया नारा चला है चौकीदार और पूरे देश में चला है भाई और बहनों आप कहीं भी चले जाइए किसी भी चौराहे पर चले जाइए कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए शहर में चले जाइए बेंगलोर जाइए अहमदाबाद जाइए नॉर्थ ईस्ट चले जाइए आपको सिर्फ अगर आप चौकीदार बोलोगे देश देश जवाब देगा चोर है और चौकीदार देश को पिछले पांच सालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जहां भी जाता है उसने पिछले पांच साल में क्या किया वो नहीं बताना चाहता चौकीदार ये नहीं बताना चाहता कि मैंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया नोटबंदी की पांच सौ रुपए हजार रुपए का नोट रद्दी किया लाखों लोगों को बेरोजगार किया छोटे दुकानदारों को खत्म किया स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म किया चौकीदार यह नहीं बताना चाहता कि गब्बर सिंह टैक्स मैंने किया भ्रष्टाचार मैंने बढ़ाया यह नहीं कहना चाहता जहां भी जाता है चौकीदार कहता है नेशनल सिक्योरिटी की बात है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे की बात करोगे तो आप मुझे बताओ क्या लाखों करोड़ लाखों करोड़ युवाओं को बेरोजगार बनाना क्या ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाता है या कमजोर बनाता है जैसे ही हमारी सरकार आएगी जैसे ही सरकार आएगी गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदल देंगे एक टैक्स होगा पांच टैक्स नहीं होंगे अट्ठाईस परसेंट टैक्स नहीं होगा कम से कम टैक्स होगा सरल टैक्स होगा करा जा सकता है हम करके दिखाएंगे आपको भाइयों और बहनों चौबीस घंटे में नरेंद्र मोदी ने हर चौबीस घंटे सत्ताईस हजार युवा हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा रोजगार दूंगा और सच्चाई है कि 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी ने किया सारे के सारे बिजनेस बंद कर दिए आपके जेब में से पैसा छीन कर निकालकर उन उद्योगपतियों को दिया आज अनिल अंबानी मजे कर रहा है नीरव मोदी लंदन में मेहुल चौकसी लंदन में विजय मालिया लंदन में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए बैंक से लिया वापस नहीं दिया उनको नरेंद्र मोदी ने जेल जेल में नहीं डाला मगर अगर कर्नाटक का किसान हिंदुस्तान का किसान बैंक लोन लेता है बीस हजार रुपए का बैंक लोन लेता है वापस नहीं देता है तो नरेंद्र मोदी उसे जेल में डाल देता है हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है दो के चुनाव के बाद दो के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम कानून बदल देंगे हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको दो करोड़ युवाओं वाली बात नहीं करूंगा मगर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरकार के पास 22 लाख नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं मैं आपको स्टेट से गारंटी करके कह रहा हूं एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियों को हम भर के आपको दे देंगे 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है मैं आपको स्टेट से गारंटी करके कह रहा हूं दस लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार यह रोजगार दिलवा सकती है मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं मैं झूठे वायदे नहीं करने आया हूं यहां पे हमारी सरकार थी छोटे से छोटे शहर में हमने आपको इंदिरा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त में खाना कम से कम पैसे में खाना दिलवाया स्वादिष्ट खाना दिलवाया यहां रोजगार पैदा किया किसानों का कर्जा माफ किया मगर नरेंद्र मोदी जी यहां आते झूठ बोलते हैं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जेडीएस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया कर्नाटक जानता है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने चालीस हजार करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है ग्यारह हजार रुपए पहुंच गया है जनता के हाथ मगर नरेंद्र मोदी यहां आके झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना है कि पिछले पांच सालों में उन्होंने क्या किया कितना रोजगार पैदा किया कितने किसानों की मदद की और जनता के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला उसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं मजे कर रहा है नीरव मोदी लंदन में मेहुल चौकसी लंदन में विजय मालिया लंदन में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए बैंक से लिया वापस नहीं दिया उनको नरेंद्र मोदी ने जेल जेल में नहीं डाला मगर अगर कर्नाटक का किसान हिंदुस्तान का किसान बैंक लोन लेता है बीस हजार रुपए का बैंक लोन लेता है वापस नहीं देता है तो नरेंद्र मोदी उसे जेल में डाल देता है हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है 2019 के चुनाव के बाद 2019 के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम कानून बदल देंगे हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको दो करोड़ युवाओं वाली बात नहीं करूंगा मगर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरकार के पास 22 लाख नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं मैं आपको स्टेट से गारंटी करके कह रहा हूं एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियों को हम भर के आए तो मैं रोजगार दिया जा सकता है मैं आपको स्टेज से गारंटी करके कह रहा हूं दस लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार रोजगार दिलवा सकती है मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं मैं झूठे वायदे नहीं करने आया हूं यहां पे हमारी सरकार थी छोटे से छोटे शहर में हमने आपको इंदिरा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त में खाना कम से कम पैसे में खाना दिलवाया स्वादिष्ट खाना दिलवाया यहां रोजगार पैदा किया किसानों का कर्जा माफ किया मगर नरेंद्र मोदी जी यहां आते झूठ बोलते हैं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जेडीएस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया पूरा कर्नाटक जानता है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने चालीस हजार करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है ग्यारह हजार रुपए पहुंच गया है जनता के हाथ मगर नरेंद्र मोदी यहां आके झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना है कि पिछले पांच सालों में उन्होंने क्या किया कितना रोजगार पैदा किया कितने किसानों की मदद की और जनता के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला उसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं बोल नहीं सकते वो और जहां जाते हैं के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं झूठ बोलते रहते हैं इस बार जनता ने निर्णय ले लिया है 2019 में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और जनता दल आंध्र प्रदेश में नायडू जी और पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी जीत होने वाली है नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से हटाया जाएगा जनता ने तय कर लिया है मैं आपको बता रहा हूं गुजरात की जनता ने तय कर लिया है आज मैं गुजरात से आया हूं गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए अंडर करंट है गुजरात में लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को छोड़ो गुजरात की जनता कह रही है देश को छोड़ो नरेंद्र मोदी जी ने तो हमारे लिए गुजरात में कुछ नहीं किया हमारी जमीन अदानी जी को पकड़ाई लाखों एकड़ जमीन मुफ्त में सबसे बड़े बिजनेस वालों को दी गुजरात के लोग कह रहे हैं तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता को आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां पे जनता दल और कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ इसके लिए आपको कष्ट हुआ माफी मांगना चाहता हूं और आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने दूर से मेरी बात सुनने आए धन्यवाद नमस्कार